देश भर में गर्मी का स्थितम जारी है। राजधानी दिल्ली में रविवार को चिलचिलाती गर्मी और भीषण लू के बीच तापमान 49 डिग्री पार कर गया। दिल्ली के कई इलाकों का तापमान 49.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। देश के किसी भी शहर के मुकाबले इस साल यह सबसे ज्यादा तापमान है। इधर यूपी के बांदा में भी रविवार को तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दिल्ली के लोगों को जल्द ही भीषण गर्मी से निजात मिलेगी। वहीं राजस्थान में भीषण लू का कहर जारी है। झुलसाने वाली गर्मी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जोधपुर में सड़कों पर पानी छिड़कना पड़ा, बीकानेर में तो पेड़ों में आग लग गई, चूरू में सबसे ज्यादा अधिकतम जबकि जयपुर में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब में गर्मी ने बीते 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग की तरफ से रविवार शाम दर्ज किए गए तापमान के अनुसार अमृतसर, जालंधर और लुधियाना बीते 8 साल में सबसे ज्यादा तप रहे हैं। लुधियाना में तापमान 45.5 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 8 डिग्री तक अधिक था। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब और हरियाणा के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो एक चक्रवात का रूप ले सकता है। इसकी वजह से बारिश हो सकती है और सोमवार मंगलवार को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। तो देश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, लोग गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो 49 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म राज्य रहा। राजस्थान में बात करें तो पेड़ पौधे तक जलने लगे हैं और पंजाब में 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो राजस्थान में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में 49 डिग्री के साथ राज्य सबसे गर्म रहा। राजस्थान में अगर बात की जाए तो पेड़ पौधे तक जलने लगे हैं, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र डूडी जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, देखिए पूरे देश में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है, जोधपुर में अभी क्या स्थिति बनी हुई है? काफी गर्मी का सितम देखने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जोधपुर में भी गर्मी बहुत तेजी से बढ़ी है। कल की टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर तकरीबन 48 डिग्री पहुंच चुका था और इसी को लेकर नगर निगम ने स्मोक गन जो नई अभी खरीदी गई उसको सड़कों पर पानी को छिटका गया ताकि जो है ठंडक महसूस हो सके राहगीर को। तो कहीं ना कहीं गर्मी का सितम जो है पश्चिमी राजस्थान में बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है और इसको लेकर प्रशासन भी अब एहतियात बरत रहा है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी किया था पश्चिमी राजस्थान को लेकर, उसको लेकर अब प्रशासन भी पूरा एहतियात बरत रहा है। जी आयुषी जी, जी जितेंद्र, देखिए राजस्थान के कई जिलों में लगातार गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अभी क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि बारिश वगैरह हो सकती है ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके? देखिए आयुषी, बताना चाहूंगा कि फिलहाल अभी मौसम विभाग ने जिस तरीके से 3 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है उसके देखते हुए अभी कई बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, आने वाले कुछ दिनों के बाद जरूर जो है मौसम से राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल अभी राहत की कोई स्थिति नहीं है। मौसम विभाग ने 3 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है, साथ ही कई जिलों में जो है येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन को इसको लेकर एहतियात बरतना होगा, लोगों को जो है इस गर्मी को बचाने के लिए संपूर्ण तैयारियां करनी होगी। जी शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देश में गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पेड़ पौधे तक जलने लगे हैं, पंजाब में 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। दिल्ली में 49 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म राज्य रहा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता आशीष तिवाड़ी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आशीष, देखिए देश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, दिल्ली की बात करें तो 49 डिग्री के साथ देश का सबसे ज्यादा गर्म राज्य रहा, राजस्थान में तो पेड़ पौधे तक जलने लगे हैं, अभी जयपुर की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल आयुषी, देखो बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, पेड़ों को जलने की घटना अपने आप में एक बड़ी घटना है और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ये गर्मी है और इस गर्मी में किस प्रकार की हालत लोगों की हो रही होगी। ये अपने आप में जिस प्रकार से जो पारा है, पारे का रिकॉर्ड जो बता रहा है, उसके अलावा प्रत्यक्ष रूप से जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं वो भी जाहिर तौर पर सामने आ रहे हैं। जोधपुर में सड़कों पर छिड़काव कल करवाना पड़ा था,
साथ ही साथ बीकानेर में पेड़ों में आग लगने की घटना देखने को मिली थी। 10 जिलों का अगर टेम्परेचर देखे तो 44-45 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिला था। लगातार अलर्ट जारी किया गया, लेकिन राहत की बात यह है कि मौसम विभाग के अनुसार अब आज से कुछ राहत की उम्मीद है। आज से कई इलाकों में बादल छाने की और आंधी के साथ बारिश होने की भी आशंका जताई गई है, जिससे कि उम्मीद की जा रही है कि मौसम परिवर्तन के साथ ही प्रदेश में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। और जिस प्रकार से बारिश होगी और जिस प्रकार से बादल छाएंगे तो उससे कहीं न कहीं आने वाले दिनों का जो टेम्परेचर है वो भी नीचे आने वाला है और लोग राहत महसूस करने वाले हैं। हालांकि तमाम जगहों पर अलर्ट जारी पहले ही कर दिया गया था मौसम विभाग के अनुसार। मौसम विभाग ने जिस प्रकार का अलर्ट जारी किया था वैसा ही मौसम में देखने को मिला, 45 डिग्री। और जयपुर की अगर बात करें तो सबसे गर्म रात, बीती रात सबसे गर्म रात यहां पर देखी गई है। तो ऐसे में अब लोगों से यही उम्मीद की जा रही है कि मौसम परिवर्तन होगा, तो ऐसे समय में अपना ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि जिस प्रकार से भीषण गर्मी और लू की चपेट, लू के थपेड़ों में आदमी अपने आप को जिस प्रकार से महसूस कर रहा है भीषण गर्मी, तो उसमें जिस प्रकार से बारिश होगी तो अपने आप को एक स्वस्थ रखना भी बड़ा चैलेंजिंग विषय है। जी शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देश भर में गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो पेड़ पौधे तक जलने लगे हैं, गर्मी से लोग लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। पंजाब में तो 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है और देश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, जिससे आम जनता परेशान नजर आ रही है। दिल्ली में 49 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म राज्य बना रहा। तो मौसम विभाग ने 3 दिन का रेड अलर्ट भी जारी किया है। राजस्थान में भी गर्मी देखने को मिल रही है, देश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिल रही है, लेकिन राजस्थान में भी सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। राजस्थान में वैसे ही लोग कहते हैं कि ये सबसे गर्म राज्य है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर पेड़ पौधों में भी आग लगने शुरू हो चुके हैं। और दूसरे राज्यों की बात करें तो पंजाब की अगर बात करें तो 8 साल का वहां पर रिकॉर्ड टूटा है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हरनेत सिंह हमारे साथ श्रीगंगानगर से जुड़ चुके हैं। जी हरनेत, देखिए श्रीगंगानगर में क्या अभी स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरे देश में गर्मी जोरों पे पड़ रही है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं, अभी वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी ऋषि, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से प्रचंड गर्मी पूरे देश में इस वक्त पड़ रही है और राजस्थान के अंदर भी जिस प्रकार से पूरी गर्मी अपना जोश दिखा रही है, अगर बात की जाए गंगानगर जिले की तो देश के अंदर गंगानगर जिला जो है वो गर्मी के मामले में पहले स्थान के ऊपर है। अगर पिछले 2 दिन के तापमान की बात करें तो परसों गंगानगर का तापमान 48.1 डिग्री था और कल पूरे दिन का जो तापमान था वो 48.3 डिग्री के करीब रहा है। जिस प्रचंड गर्मी के अंदर जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। हालांकि बात की जाए अगर वन्य जीवों की तो वन्य क्षेत्रों के अंदर पानी की किल्लत के चलते जो वन्य जीव हैं वो भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से वन्य जीवों के लिए भी पानी का इंतजाम किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से गर्मी लगातार गंगानगर जिले में बढ़ रही है उसे आने वाले लगभग अभी 1 हफ्ते तक कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि प्रशासन ने लोगों को एहतियात के तौर पर लोगों को घरों में लगभग सुबह 12 से लेकर शाम 5 बजे तक घरों में बने रहने की सलाह दी है, ताकि इस भयंकर गर्मी से जो है लोगों को राहत मिल सके। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगभग गंगानगर जिले के अंदर इस बढ़ती हुई गर्मी के कारण आग लगने जैसे भी कई प्रकार की घटनाएं जो है वो हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जो है वो लगातार इस गर्मी के अंदर नजर बनाए हुए है ताकि कोई अप्रिय घटना जो है वो हो ना सके। लेकिन अभी मौसम विभाग के अनुसार लगभग 1 हफ्ते तक इस गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी शुक्रिया हरनेत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता कमलेश सेन चौटन बाड़मेर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी कमलेश, देखिए देश भर में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है, अभी चौटन बाड़मेर में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिला है कि पेड़ पौधे तक जल रहे हैं, अभी वहां पर क्या स्थिति? जी अलगो आयसी, मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर जिले में पिछले करीब लगातार 3 दिन से भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको अगर मैं 3 दिन की बात करूं तो बाड़मेर जिले में पिछले 2 दिन से लगातार
अगर गर्मी का टेम्परेचर देखा जाए तो 48 डिग्री से भी पार होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो जिले के आसपास रेगिस्तान इलाका है जहां पर भी इस बार ज्यादा हीट वेव का असर देखने का मिल रहा है। साथ ही जो मौसम विभाग ने करीब प्रदेश भर में जो रेड अलर्ट जारी किया उसके चलते पिछले करीब 3 दिन से लगातार बाड़मेर जिले में भीषण गर्मी है। वही इन गर्मी के चलते लोग भी बड़े परेशान हैं। साथ ही अगर रेगिस्तान इलाके की मैं आपको बता दूं तो पिछले करीब 3 दिन से बाड़मेर के आसपास ऐसे कई इलाके जहां पर धूल भरी आंधियों का भी दौर जारी है, वही धूल भरी आंधियों के साथ साथ भीषण गर्मी भी देखने को मिल रही है। जी शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देश भर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। राजस्थान में भी कई जिलों में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान के कई जिलों में पेड़ पौधे भी जलने की खबर सामने आ रही है और जोधपुर में तो पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। पंजाब की बात करें तो 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है।